इस बीच एक और बड़ी खबर, हम अपने दर्शकों को बता दें कि यूके ट्रिपल एससी भर्ती परीक्षा मामले में सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया है। जांच बहुत सख्त और सही दिशा में जाने वाली है। सीएम धामी ने आश्वस्त किया है मामले में जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और ये कार्रवाई अभी रुकने वाली नहीं है। सीएम धामी ने साफ तौर से कह दिया है जो भी अंतिम व्यक्ति उसमें शामिल होगा उसका पर्दाफाश होगा। यूके ट्रिपल एससी भर्ती परीक्षा जांच मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। अंतिम व्यक्ति जब तक इसमें पकड़ा नहीं जाएगा चाहे कोई भी होगा तब तक जो है जांच चलेगी, तब तक ये कार्रवाई चलेगी जिससे कि भविष्य में कभी भी इस प्रकार की जो घटना हुई है, जो हमारे बेटियों बेटों के साथ जो छलावा हुआ है, खिलवाड़ हुआ है, वो भविष्य में कभी ना हो। वहीं यूके ट्रिपल एससी भर्ती घोटाले मामले की जांच को लेकर यूकेडी अब भगवान की शरण में जा पहुंची है। हल्द्वानी में उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं को सरकार की जांच पर भरोसा नहीं है। ऐसे में यूकेडी न्याय के देवता कहे जाने वाले गोलू देवता की शरण में जा पहुंचे, जहां उन्होंने गोलू देवता से यूके ट्रिपल एससी मामले में न्याय की गुहार लगाई। यूकेडी कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि जांच सही दिशा में जा रही होती दो पूर्व जिला पंचायत सदस्य के अलावा कई और बड़े लोग भी एसटीएफ की गिरफ्त में होते। और सुरेंद्र डसीला का रुख करते हैं, सुरेंद्र तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र, सबसे पहले सीएम के बयान की बात कर लेते हैं, जिस तरह से उन्होंने साफ कह दिया है कि जो भी दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा, एग्रेशन देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं नाराजगी भी देखने को मिल रही है कि सरकार की एक तरह से जो पहचान रही है वो धूमिल होती हुई नजर आ रही थी। देखिए, यूके ट्रिपल एससी भर्ती में जो घोटाला पूरी तरह से हुआ है या भर्ती का फर्जीवाड़ा पूरी तरह से हुआ है, इसको लेकर सरकार बहुत गंभीर शुरू से ही है और इसीलिए एसटीएफ को ये जांच भी दी गई थी। सवा महीने का समय हो गया है, एसटीएफ ने अब तक 34 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी की है। एक मेन एक्यूज को अभी तलाशा जा रहा है, जो सरगना बताया जा रहा है सादिक मूसा, उसकी तलाश चल रही है। बाकी लगभग सभी लोग इसमें पकड़ लिए गए हैं। हाँ, अगर पूछताछ में कुछ नई चीज़ें आती हैं तो कुछ और लोगों को भी डिटेन किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यूके ट्रिपल एससी में पहले दिसंबर 2021 की भर्ती की जांच हो रही थी, उसमें जांच होते होते कुछ और तथ्य सामने आए तो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती और सचिवालय रक्षक भर्ती की ओर भी एसटीएफ बढ़ चली है और तमाम जगह भी अलग अलग नेक्सस निकल के आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पे कहा है कि हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, जो पूरे नेक्सस में अंतिम व्यक्ति होगा तब तक ये जांच बंद नहीं होगी। यानी सीधे तौर पे वो बता चुके हैं कि सरकार किस तरह से इसे लेकर गंभीर है और अगर ज़रूरत पड़ी तो जांच और लंबी खिंच सकती है और लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। क्योंकि सीएम ने एक बात ये भी कही है कि भविष्य में इस तरीके का नेक्सस, इस तरह का नेटवर्क अपने पाँव ना पसार पाए, इसलिए हमारी कोशिश है कि इनको आर्थिक तौर पर और कानूनी तौर पे पूरी तरह से इनकी कमर तोड़ दी जाए। आर्थिक तौर पे तोड़ने के लिए तमाम दस्तावेज ईडी को उपलब्ध कराए हैं। अब जल्द ही ईडी भी इसमें कार्रवाई शुरू करेगी जिससे इन पर पूरी तरह से जो दोहरी मार है वो नजर आएगी। ठीक है सुरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों पर हम आपसे अपडेट लेंगे।